नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। एनआईए ने कैप्टन के कार्यालय के हवाले से लिखा है कि वो सिद्धू जैसे खतरनाक आदमी से राज्य को बचाने के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। कैप्टन ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा। कैप्टन ने कहा कि अगर वो उस वक्त उनसे इस्तीफा देने के लिए कहती तो वो उसी वक्त पद छोड़ देते। कैप्टन ने कहा कि एक सैनिक होने के नाते वो जानते हैं कि मुझे अपना काम कैसे करना है और एक बार वापस बुलाए जाने पर कैसे छोड़ना है। कैप्टन ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अपने बच्चों की तरह बताते हुए कहा कि ये ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए था, मैं दुखी हूँ। कैप्टन ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी थोड़े कम अनुभवी हैं और उनके सलाहकार उनको साफ तौर पर गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए जाते हुए कहा कि ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर है। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान क्वाड नेताओं के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और अमेरिकी चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बार मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने उनके जाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। समाचार एजेंसी ANI ने एक शीर्ष सरकारी सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी है। बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध में कम से कम 3 बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी को अनुमति देने से इनकार किया गया था। केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों को राज्य सरकारों से 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। केंद्र ने कोर्ट में जमा किए गए एक हलफनामे में कहा कि ये रकम उन्हें मिलेगी जिनकी मौत कोरोना से हो चुकी है और उन्हें भी जिनकी मौत कोरोना से भविष्य में होगी। हलफनामे में कहा गया है कि राज्य आपात कोष से ये मदद दी जाएगी जो पीड़ितों तक राज्य प्रशासन के जरिए पहुंचेगी। ये मुआवजा उन लोगों के परिजनों को भी मिलेगा जो कोरोना सहायता कार्य या उसकी तैयारियों में लगे कार्यों में थे और जिनकी मौत कोरोना से हो गई। सरकार ने ये भी कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकार के लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन करने से लेकर मुआवजा मिलने तक का काम आसान व पारदर्शी हो। इससे जुड़े आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। बता दें, भारत में अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 4,45,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बुधवार को अपने 6 कर्मचारियों को कथित तौर पर आतंकवादियों से संबंध रखने और जमीनी कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए गए लोगों में 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था जिसकी सिफारिश पर यह एक्शन लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत ऐसे मामलों की स्क्रूटनी के लिए कमेटी का गठन किया गया था। ये प्रावधान सरकार को बिना जांच किए कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति देता है। बिहार में हर घर नल का जल योजना के ठेके देने की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। एक पड़ताल में पता चला है कि ठेके पाने और इसका लाभ लेने वालों में राजनेताओं के परिवार वाले और करीबी लोग भी शामिल हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी पड़ताल कर लिखा है कि इसमें बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद के परिवार वाले और उनके सहयोगी भी हैं। उनको इस योजना के तहत 53 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। हालांकि प्रसाद ने इन ठेकों के मिलने में किसी राजनीतिक संरक्षण के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वह उस समय कटिहार के विधायक थे और नवम्बर 2020 में उप मुख्यमंत्री बने। वहीं रिकॉर्ड बताते हैं कि 2019-20 में PHED ने कटिहार जिले के कम से कम 9 पंचायतों के कई वार्डों में पेयजल योजना के तहत 36 परियोजनाएं आवंटित की। ये परियोजनाएं तार किशोर प्रसाद की बहू पूजा कुमारी, उनके साले प्रदीप कुमार भगत से जुड़ी 2 कंपनियों और करीबी सहयोगी प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार की कंपनी को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के उस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि NDA प्रवेश परीक्षा में महिलाओं को अगले साल मई से शामिल होने दिया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया था कि उनको 1 साल नई व्यवस्था के लिए तैयारियों में लग जाएगा, इसलिए इस बार नवंबर में होने वाली परीक्षाओं में महिलाओं को शामिल नहीं किया जा सकता।
इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एनडीए की प्रवेश परीक्षा देने के लिए महिला उम्मीदवारों को अनुमति देने के अपने फैसले को रद्द नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि महिला उम्मीदवारों को नवंबर में होने वाली एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना आपात स्थितियों से निपटती है, तो हमें नहीं लगता कि उनकी रिस्पांस टीम इस स्थिति से नहीं निपट पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस साल बहुत से लोगों ने परीक्षा के लिए नामांकन ही नहीं किया है, इसलिए संख्या कम हो सकती है। इसलिए इस साल महिलाओं की परीक्षा को छोड़ने की बजाय उनके लिए कुछ करने का प्रयास करें। जस्टिस कॉल ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे को बारीकी से पढ़ा है और उनके द्वारा बताई गई कठिनाइयों को पूरी तरह से समझा भी है। उन्होंने कहा, लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए महिलाओं को उम्मीद देकर वह उन्हें निराश नहीं करना चाहते हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय कर लिया है। विलय के बाद सोनी के पास 52.93% की नियंत्रक हिस्सेदारी होगी, वहीं जी लिमिटेड के शेयरधारकों के पास 47.07% ही हिस्सेदारी होगी। विलय के बाद अब इसके अधिकांश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोनी समूह द्वारा ही नामित किए जाएंगे। भारत द्वारा कड़ी आपत्ति जताने और जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी के बाद ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में संशोधन किया और कोविशील्ड को स्वीकृत वैक्सीन के रूप में तो शामिल किया, हालांकि ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों के लिए परेशानी कम नहीं हुई। ब्रिटेन ने कहा कि भारत में कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाने वालों को अभी भी क्वारंटीन करना होगा। ब्रिटेन ने कहा कि समस्या कोविशील्ड के साथ नहीं है, बल्कि भारत में टीकाकरण प्रमाणन यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन पर संदेह है। ब्रिटेन द्वारा भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर संदेह जताने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेशन के साथ कोविन पर कोई समस्या नहीं है, यह प्रणाली पूरी तरह से WHO के अनुरूप है। हमारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने 2 सितंबर को मुझसे मुलाकात की थी, वे सिस्टम को और इसके तकनीकी पहलुओं को समझना चाहते थे। अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर के ताज़ा अध्ययन के अनुसार भारत में 1951 से अभी तक धार्मिक बनावट लगभग स्थिर रही है। अध्ययन में पता चला है कि भारत के सभी धर्मों में बच्चों की जन्म दर लगातार घटी है, जिस कारण देश की मूल धार्मिक बनावट में बहुत मामूली ही बदलाव हुए हैं। इस अध्ययन में 3 मुख्य कारकों पर ध्यान दिया गया है जो आबादी की धार्मिक संरचना में बदलाव के लिए जाने जाते हैं, प्रजनन दर, प्रवास और रूपांतरण। प्रजनन दर के संबंध में अध्ययन में पाया गया है कि जिन मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे अधिक थी, उनमें प्रजनन दर भी सबसे तेजी से घटी है। 1992 से 2015 तक मुसलमानों की कुल प्रजनन दर 4.4 से घटकर 2.6 हो गई है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर 3.3 से घटकर 2.1 हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में गृह युद्ध की चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, वे सभी वर्गों को सरकार में शामिल नहीं करते हैं, तो अफगानिस्तान गृहयुद्ध की ओर चला जाएगा और इसका प्रभाव पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। खान ने कहा कि पाकिस्तान मुख्य रूप से अफगानिस्तान में एक मानवीय और शरणार्थी संकट की आशंका और इसकी ज़मीन को पाकिस्तानी सरकार से लड़ने वाले सशस्त्र समूह द्वारा इस्तेमाल किए जाने की आशंका से चिंतित था, क्योंकि इसका मतलब है एक अस्थिर और अराजक अफगानिस्तान। इमरान ने कहा कि वो आतंकवाद के लिए एक आदर्श जगह है, क्योंकि अगर वहाँ नियंत्रण नहीं है और लड़ाई चल रही है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।